मार पाऊंगी देख। अब फेसबुक पे जो करोगे झूम स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। अगर सर वॉइस मेरी ऑडिबल है देन प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेल धीरे धीरे अभी 3 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ में, 9:02 हो चुके हैं। ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को। वेल मैं रात में गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ तो मैं क्लियर कर दूँ। गुड मॉर्निंग का मतलब है, जो लोग नहीं जानते हैं, इसका मतलब है गुड मोर अर्निंग। मतलब कि हम हमेशा गुड मॉर्निंग इसीलिए बोलते हैं ताकि आपको एक अच्छी हैंडसम हमेशा अर्निंग होती रहे। तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आनंद पांडे सर, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारी ग्रेट मैम, गुड मॉर्निंग नीरू मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। सो हमारे साथ में 6 पार्टिसिपेंट्स हो चुके, बहुत बढ़िया, लोग बढ़ते जा रहे हैं। वेल आज का जैसे कि हमने टॉपिक जो डिसाइड किया था, एंड ये मेरा फर्स्ट एफपी लाइव सेशन है। सो मैं सभी का पहली बात तो एक वार्म वेलकम करूंगी, सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के सेशन में। एंड आप लोग आए हैं अपना वक्त निकाल के सेशन को देखने, तो आपको डेफिनेटली एक न्यू चीज सीखने को मिलेगी। एंड मोस्ट ऑफ द अगर मैं बात करूँ आज के टाइम पे, तो यूथ की बात करूँ तो मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अपना ग्रेजुएशन या अपने क्वालिफिकेशन लाइक इंटर पास लेवल तो क्या करना चाहिए। बिकॉज आज के टाइम पे आप देखें तो यूथ बहुत मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जॉब्स नहीं है, एंड अगर है भी तो इतना कॉम्पिटिशन है कि आने वाले टाइम पे क्या होगा कोई नहीं जानता। तो उसी से रिलेटेड आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, जॉब वर्सेज बिजनेस का, कि आपको क्या करना बेटर है, आप कैसे अपना कैरियर सिलेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, कि जॉब करें या फिर बिजनेस करें। एंड सेशन के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, लास्ट में आपको बहुत एक न्यू चीज मैं आपके साथ में करूंगी, दिखाऊंगी एक न्यू चीज। और ज्यादा मिनट का सेशन नहीं रहेगा, सिर्फ मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूंगी, जो चीज रिलेवेंट है वही चीज मैं आप सबको बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगी कि जॉब का मतलब क्या होता है। पहली चीज लोग जान ले कि जॉब मतलब एक ऐसा नौकरी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, कि आप कोई भी काम करें और उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। आपसे कोई भी काम करवा सकते हैं और उसके बदले में आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी मिल जाता है, वो जॉब कहलाती है, ठीक है। और बिजनेस क्या चीज़ है? बिजनेस देखिए, एक ऐसा बिजनेस को ये मान के चलिए कि गुड्स एंड सर्विसेज, आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट परचेज या सेल करते हैं उसके बदले में जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो बिजनेस कहलाता है। और मैं अगर बात करूं सेल, आपका जॉब है तो जॉब में लास्ट में मंथ के आखिरी में आपको सैलरीज आती है, ठीक है, कि इतने अमाउंट तक आपको सैलरी फिक्स्ड है। बट बिजनेस की बात करूं अगर, तो उसमें आपको आती है प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट आर अनलिमिटेड। इफ अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में डिवाइड करूं, कि अगर मॉनेटरी टर्म्स में मैं कंपेरिजन करती हूं, तो अगर आपको मैं बताऊं बिजनेस जो है हमारा इट्स बेटर देन जॉब। अब वो मैं क्यों कह रही हूँ ये चीज ध्यान दीजिए, ये मैंने सर्वे चेक किया है उसमें लिखा है, मतलब उसमें बताया गया है ये कि बिजनेस में आपको अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिट ऑफ आपको इनकम होगी, और कितनी जल्दी आप इनकम कर सकते हैं वो आपके ऊपर और आपके वर्क के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ जॉब के बारे में, तो जॉब में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर लिया, कितना अच्छा आप वर्क कर लिया, उसमें आपको सैलरी उतनी ही मिलनी है, उतने ही वर्क पीरियड तक आएगी और वो कॉन्स्टेंटली बनी रहती है। तो एक मॉनेटरी टर्म्स में मैं बता रही हूँ कि मनी की बात करी जाए तो जॉब बेटर नहीं है इतनी जितनी बिजनेस आपका बेटर है आपके लिए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मिलता है आपको। दूसरी चीज अगर मैं आगे आपसे बात करती हूँ कि ये तो चलो एक आंकड़ा मैंने लगा दिया, एक बताया मॉनेटरी टर्म्स में कि बिजनेस बेटर है, एंड मोस्टली मोस्ट ऑफ द लोग एग्री भी करते होंगे। आप सब अभी हमारे साथ में 9 पार्टिसिपेंट्स हैं, और कई लोग ऐसे होंगे जो जॉब भी कर रहे होंगे एंड कुछ बिजनेस के लोग भी होंगे इसमें। सो मैं पूछना चाहूंगी आप लोग के अकॉर्डिंग, लाइक कोई ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, ये आप लोग के साथ में कोरिलेट करना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग आपके कि विच इज बेटर, आपके अकॉर्डिंग क्या है, जॉब या फिर बिजनेस, जो लोग जॉब में हैं और जो लोग बिजनेस में हैं उनके क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं। बिकॉज
इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंसेस. जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है वो आपके प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है. सो हमारे साथ में नीरू मैम का कमेंट आया है, करेक्ट, जॉब मीन्स बोझ, राइट. आप जॉब करते हैं, जॉब का मीन्स बोझ होता है. बिल्कुल सही बोला, बिकॉज आपके ऊपर इतना बर्डन आ जाता है, ऊपर से प्रेशराइज इतना किया जाता है कि आप ये वर्क करिए. ऊपर से बहुत सारे, देखिए, मेरिट्स भी है एंड डीमेरिट्स भी है जॉब के. मेरिट्स एक तरीके से कह सकते हैं, आपको जॉब में सिक्योरिटी मिल जाती है एक तरीके से कि हाँ हमें जॉब मिल गई है. जो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब के हैं एम्प्लॉयज, उन्हें सिक्योरिटी मिलती है. अदरवाइज प्राइवेट जॉब में भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, बस इतना है कि एवरी मंथ उनको एक चेक उनकी सैलरी आ जाएगी. बट अगर मैं बात करूँ कोनो लास्ट ईयर अगर जो पैंडमिक हुआ था कोरोना का, उसमें काफी लोग की जॉब्स चली गई, आप ये मान के चलिए, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा जो रेशियो है वो बिगड़ गया है. मैं आपको आगे बताऊंगी. जैसे कि अगर मैं बात करूँ पहले एजुकेशन सिस्टम का, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही बहुत एक मेजर प्रॉब्लम, बट एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ आप यकीन नहीं मानेंगे, इंडिया वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे आता है, मतलब हायर एजुकेशन सिस्टम पे. पहले नंबर पे हमारा आता है यूएस, उसके बाद में चाइना, तीसरे नंबर पे हमारा इंडिया है जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम में आता है. और ये रिपोर्ट है आपकी एज पर लेटेस्ट 2011 सेंसस की रिपोर्ट ही है. अबाउट 1.15% इंडियंस है जो कि ग्रेजुएट है, मतलब कि 98.615 मिलियन लोग हैं जो कि ग्रेजुएट हुए हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ये मान के चलिए. और 20,000 के करीबन कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, जिसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और ग्रेजुएट हो रहे हैं. और अगर मैं आंकड़ा बताऊं आप लोग को, लास्ट ईयर मतलब कि 2020 का एज्यूम, मतलब कि निकाला गया है आंकड़ा कि जितने बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं, लगभग 3.66 करोड़, लगभग 3 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ के करीब बच्चे लास्ट ईयर हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं, जिन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करी है. ये MHRD का डेटा है जो कि स्टूडेंट का अकॉर्डिंग, उनकी पोटेंशियल अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये डाटा निकाला गया है लास्ट ईयर में. सोचिए 3 करोड़ के बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं. और अगर यही मैं बात करूं कि कितना जॉब वैकेंसीज या फिर जितना उनके लिए होनी चाहिए, तो मैं बताऊँ एट द करेंट टाइम, ये लास्ट ईयर का मैंने आपको डेटा बताया कि 3 करोड़ के करीब बच्चे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है लास्ट ईयर. और अगर मैं अभी बात करूँ, ये 18 मई 2021 का डेटा है, अपडेट किया गया अभी रिसेंटली का. जो अभी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है पूरे इंडिया में वो है 1,21,375. इतनी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है राइट नाउ. अब आप खुद सोचिए कि 3 करोड़ के बच्चे लास्ट ईयर आपके ग्रेजुएट हुए हैं और जॉब वैकेंसीज 1,21,000 तकरीबन है, तो आप खुद इमेजिनेट कर सकते हैं कि क्या रेशियो बैठता है और क्यों अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है. जॉब वैकेंसीज है नहीं और हर साल निकल रहे हैं. ये तो सिर्फ लास्ट ईयर का मैंने बताया 3 करोड़, हर साल ऐसे ही बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं. और अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बताऊं आपको 2019 के अकॉर्डिंग, तो जो ग्रेजुएट हुए हैं बच्चे 16.3% लोग हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं बट वो अनएम्प्लॉयड हैं. वैसे जो पीजी अपने कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं एंड अबव अपनी डिग्रीज या डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, वो लगभग 14.2% अनएम्प्लॉयड हैं. जिनके पास में कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं अपने जो कर रहे हैं एंड डिप्लोमाज लिए हुए हैं लोगों ने, वो 11.3% लोग अनएम्प्लॉयड हैं. मतलब आप सोचिए, अपना बात करी जाए जॉब की, आप जॉब करने के लिए स्कूल्स में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको सिखाया जाता है कि आप पढ़ाई करिए, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी. एंड एक चीज मैं कहूंगी भी, हमारा मिडिल क्लास फैमिली में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो छोटे पर से उसको सिखाया जाता है कि आप जॉब करो, पैसा मिलेगा उसमें, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, एनी हाउ आपके ऊपर डिपेंड करता है वो. बट वो हमारे माइंड में मेकअप कर दिया जाता है कि आप जॉब करनी है, आपको नौकरी ही करनी है, मतलब इन फ्यूचर आपको किसी का नौकर ही बनना है. हमें कभी बचपन से ये चीज नहीं सिखाई जाती कि बेटा तुम्हें बिजनेसमैन बनना है या फिर तुम्हें एक एंटरप्रेन्योर बनना है, ऐसा कभी हमारे माइंड में मेकअप नहीं किया जाता है. तभी आप देख रहे हैं कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है. एंड मैं कहूँ, अगर हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी सर, वो भी ये कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, अपना कुछ काम आप स्टार्ट करो. बट हम लोग क्या है, पढ़ाई करके बैठे कि नहीं, जब गवर्नमेंट हमें, सरकारी हमें नौकरी मिलेगी तभी हम काम करेंगे, और फिर हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं. गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा आपसे, ना ऐसे कहा कि आप
जॉब हम आपको देंगे 100% इस तरीके से, वो तो कह रहे हैं आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, आप खुद कमाओ, आगे बढ़ो, बट हम ही लोग हैं कि नहीं, हम एजुकेशन सिस्टम पे हैं। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है हमारा, बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है, बस हम उसे अपने माइंड का यूज नहीं कर पा रहे कि विच इज बेटर देन फॉर अस, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा हम नहीं समझ पाते हैं चीज। तो ये एस्टिमेट था। एंड में बात करूं इन 2020, मतलब कि 2020 का आंकड़ा है कि ये एस्टिमेट किया गया जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में मैं बता दूं किस एज के कैटेगरी में, 15 साल से लेकर आपके 24 इयर्स तक, इस एज ग्रुप में जो लोग आते हैं वो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं इस एज के कैटेगरी में। और इस टाइम जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगभग 22% कंस्टेंटली चला आ रहा है पिछले 10 सालों से। ये रेट बढ़ा नहीं है इस कोरोना के पैंडेमिक टाइम पे, ये रेट 23% हुआ है बढ़ के। अदरवाइज सोचिए कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो ना तो कम हो रहा है कि कम हो हमें जॉब्स मिले, और ना बढ़ रहा है इस कोरोना टाइम पे, जबकि और ज्यादा बढ़ गया है वो। तो बहुत ही गंभीर विषय है कि आज जब आपके पास में जॉब्स नहीं अवेलेबल है तो ऑब्वियसली बात है आप खुद का एक वर्क स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए आप अपनी लाइफ में, कुछ इनोवेट करिए। और मैं बात करूं इस कोरोना टाइम पे जो लोग जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है उसका मैं आंकड़ा आपको बताना चाहूंगी। 18.9 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब खोई है, मतलब कि 18.9 मिलियन लोगों ने, लगभग 1,80,00,000 लोगों ने अपनी नौकरी खो दी लास्ट ईयर। और अगर मैं सिर्फ जुलाई के महीने में बताऊं, लास्ट ईयर सिर्फ जुलाई के महीने में 5 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी खोई थी, 5 मिलियन लोगों ने, वो टोटल ओवरऑल 18 मिलियन लोग अपनी नौकरी को खोज रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि कितना क्राइसिस हो रहा है कि जॉब लोगों के पास में नहीं है। अगर आप सोशल साइट्स पे लाइक लिंक्डइन एंड इंडीड ऐसी सोशल मीडिया साइट्स है जहाँ पे आपको जॉब अवेलेबल है, वहां पे लोग के मैंने खुद देखे ट्वीट्स हैं एंड वो खुद अपना रिज्यूम डाल रहे हैं कि मुझे जॉब चाहिए, वो खुद ही रिक्रूटमेंट करना चाह रहे हैं कि हमें कहीं से जॉब मिल जाए। आप अगर सोशल मीडिया साइट्स पे जाके देखेंगे तो ये अवेलेबल होंगे आपको, क्योंकि मुझे भी ऐसे एक दो दिखे हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे आंकड़ा भी दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कंस्टेंटली बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन पे अगर शो हो रहा हो लोगों को, यहाँ पे रेट दिया गया है आपके किस किस ईयर से किन किन का रेट है कॉन्स्टेंटली 22 ही है। एंड ये अभी रिसेंट का है, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है रिसेंट टाइम पे ये अपडेट किया गया है, इंडिया में 10.3% लोग अभी तक बेरोजगार हैं, और जिसमें से जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं वो लगभग 12% लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, और अगर आप गांव के क्षेत्र में देखेंगे तो 9.4% लोग बेरोजगार हैं। और मैं बात करूं जो अनएम्प्लॉयमेंट मेंस हैं, अगर मैं बात करूं ये सर्वे हुआ था तो जो शहरी क्षेत्रों में लोग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, देखिए पढ़े लिखे लोग भी होते हैं अनपढ़ लोग भी होते हैं, मैं बताना चाहूंगी। तो यहाँ का जो रेट निकला जो अनपढ़ लोग हैं वो जितने बेरोजगार है लगभग 2.1% लोग बेरोजगार है जो अनपढ़ हैं शहरी क्षेत्र में। लेकिन जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो 9.2% लोग अनएम्प्लॉयड है। सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो ये आंकड़े हैं जो कि मैंने कुछ आपको बताया कि किस तरीके से आप जॉब में कितना इस टाइम पे क्राइसिस चल रहा है। अब अगर मैं बात करूं, एक होता है जॉब, प्राइवेट जॉब्स तो कहते हैं लोग बढ़िया है आपको ह्यूज अमाउंट में, देखिए जॉब्स अच्छी भी हैं खराब भी अपने अपने उनके व्यूज हैं आप कैसे करते हैं। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, गवर्नमेंट जॉब जो होती है हमारी, मैंने कहा आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिल जाती है, वो भी एक टाइम पीरियड तक आपको मिलती है फाइनेंशियली सिक्योरिटी, और लाइफ टाइम तक कहा जाए तो नहीं मिल सकती। ऊपर से वो एक एक्टिव इनकम होती है, मैं ये बताना चाहूंगी। जिन लोगों को एक्टिव इनकम के बारे में नॉलेज नहीं है, आई वांट टू टेल देम दैट एक्टिव इनकम वो होती है कि जब तक आप वर्क करेंगे तब तक आपको पेमेंट या मनी आपको आता रहेगा, एवरी मंथ जो भी उसका अकॉर्डिंग है, हर महीने हर साल आपको आता रहेगा जब तक आपके हाथ पैर काम करेंगे। बट जैसे ही आपने काम करना बंद किया आपके घर में पैसा आना बंद हो जाता है, जस्ट लाइक प्राइवेट जॉब्स हो गई,
कंपनी में ऐसा है कि आपने काम बंद करा आपको पेमेंट आना बंद हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ पैसिव इनकम ऐसी इनकम है जो कि आपको बिजनेस दे सकता है, इट मीन्स आपको एक टाइम तक मेहनत करनी होती है, वर्क करना होता है, उसके बाद अनलिमिटेड अमाउंट में आपके पास में इनकम आती है घर बैठे बैठे एंड यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। आपको काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने ब्रेन का यूज करना होता है। और पैसिव इनकम जैसे एग्जांपल हूँ कौन कमाते हैं, आपने सुना होगा रतन टाटा जी हो गए, ठीक है, बिरला हो गए, अंबानी हो गए, ये क्या करते हैं, इन्होंने अपना नेटवर्क बिल्ड किया है, ठीक है, इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया है, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया है। दीज आर द इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट है ये, और ये इन्वेस्ट करते हैं पैसा, अपना नेटवर्क बनाते हैं और आप देखते हैं इनको बैठे बैठे एक मिनट में करोड़ों रुपए ये कमा लेते हैं इसी तरीके से। क्या है, सिर्फ अपने माइंड का यूज करते हैं और अपना नेटवर्क यूज करते हैं। और जिनके पास है पैसिव इनकम, जो लोग अर्न कर रहे हैं वहां पे ये मान के चलिए अनलिमिटेड ऑफ उनके पास में इनकम आती है और टाइम से भी वो फ्री रहते हैं। आप देख रहे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स की, मैं कुछ बताना चाहूंगी, गवर्नमेंट जॉब के जो पर्सन होते हैं जस्ट लाइक मेरे फादर भी हैं, ही इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट जॉब के मैं बताना चाहूंगी कि क्या है। पहली बात तो आपको सिक्योरिटी नहीं है, जो 2003 के बाद में आए हैं गवर्नमेंट जॉब में उनकी कोई भी रिटायरमेंट पेंशन नहीं है, पहली चीज तो। दूसरी चीज क्या है, आपको कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में, आप अगर होल फैमिली के साथ में रहते हैं तो आपको कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता है, आपको अपनी फैमिली छोड़ के उस शहर में जाके वर्क करना होगा, अगर आपको पसंद है तब भी, ना पसंद है तब भी आपको फैमिली छोड़ के जाना पड़ेगा, अपनी फैमिली के साथ में टाइम नहीं दे सकते, ऊपर से काम का बहुत ज्यादा बर्डन होता है। और साथ ही साथ मैं बताऊं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होती, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आपके सामने आके आपको ये बता रही हूँ, ऐसे प्रेजेंटेशन ऐसा टाइप दे रही हूँ या आपसे बात कर रही हूँ, इस टाइप से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में नहीं होता, बिकॉज उनके पास में टाइम नहीं होता है, लैक ऑफ नॉलेज, वो एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर क्रिएटिव एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं, कुछ नया इनोवेटिंग नहीं होता है, आइडियाजिंग नए नए तरीके के आइडियाज नहीं आते हैं माइंड में, तो ये सब गवर्नमेंट जॉब की वजह से होता है। ऊपर से कंस्टेंटली एक ही वर्क करना होता है आपको, एक ही डेस्क पे बैठे बैठे, तो बहुत बोरिंग हो जाता है। और बात करूँ गवर्नमेंट जॉब के बारे में, लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, लेकिन इतना कॉम्पिटिशन है आने वाले मार्केट में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और अगर इन फ्यूचर की बात करूं मैं, तो गवर्नमेंट जॉब का इन फ्यूचर में बहुत ही रेयर स्कोप है। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहे तो ऑब्वियसली बात है जरूर जाइए, वहां पे आपको पोजीशन जरूर मिल जाएगी, बट इन अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं आप अलग सेक्टर्स में, तो मोस्टली गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, क्योंकि मेक इन इंडिया पे वर्क हो रहा है, बाहर से इंडस्ट्रीज आ रही है इंडिया में और वर्क कर रही है और इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर रही है। अब क्या है, आप क्या करें जॉब की, जैसे कि मैंने बताया करना चाहें आप कर सकते हैं, इट्स ऑल अपॉन यू। कुछ ऐसे टॉप लिस्ट कैरियर्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि इंडिया में अभी तक के टॉप मोस्ट ये पॉपुलर कुछ प्रोफेशंस हैं और कुछ ऑक्यूपेशंस हैं दैट यू कैन डू। जैसे कि फर्स्ट में फाइनेंस कैरियर है, बहुत अच्छा कैरियर है, आप इसमें अपना फाइनेंस में अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फाइनेंस में बताओ इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गए, ट्रेडर्स हो गए, एसेट्स या पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो गए, फाइनेंशियल एनालिटिक्स हो गए, जॉब इन कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गए, तो इस तरीके से ये सेक्टर्स है जहां पे आपको जॉब मिल सकती है, आप फाइनेंस कैरियर में जा सकते हैं। इसके लिए हायर एजुकेशन रहते, आप IIM IIT ये सब कंप्लीट करके आप ये एग्जाम क्वालिफाई करके आप ये जॉब ग्रैब कर सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड जो हमारा सेक्टर आता है टेक्नोलॉजी कैरियर, टेक्नोलॉजी में बता दूं बहुत जबरदस्त इसमें कैरियर है। अगर आप बहुत ही अच्छे एक तरीके से कहा जाए गेम डिजाइनर है, वेब डिजाइनर है, या फिर एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, इस टाइप से हैं आप और इंटरेस्टेड हैं, तो आप जरूर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाइए, बहुत ही जबरदस्त आगे स्कोप है इसका और सब टेक्नोलॉजी पे ही आगे हो रहा है। आपने देखा होगा लोग पहले बर्तन धोते थे और खाना बनाना रहता है कुछ भी है, तो अब बर्तन धुलने के लिए भी मशीनें आ गई हैं। आप बड़े बड़े अगर रेस्टोरेंट्स में जाएंगे या होटल्स में जाएंगे तो उसमें, या फिर अगर आप क्रूज शिप पे जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे बर्तन वगैरह धुलने के लिए तो लोग नहीं लगाए जाते, वहां पे मशीनें आ गई हैं। आप मशीनों में बर्तन डाले, बर्तन पूरे अपने आप ही यूटेंसिल्स वॉश कर देगी मशीनें और आपके पास में रेडी हो गए। और अगर आप बात करें कि वॉशिंग मशीन की मैं बात करूं, लोग पहले हाथ से कपड़े धुलते थे, अब वॉशिंग मशीन आ गई घर में, बस कपड़ों को डालना है सूख के रेडी हो जाएंगे। तो क्या टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया सब कुछ, पहले लेबर पे वर्क होता था, पहले किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो लेबर लगते थे, लेबर से वर्क कराया जाता, बट राइट नाउ आप देखिए टेक्नोलॉजी ने सब ग्रैब कर लिया है, मशीनें लग गई हैं, मशीनें वर्क कर रही हैं, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। तो
आपके अकॉर्डिंग आप टेक्नोलॉजी में जाना चाहें तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फ्रीलांस से भी कर सकते हैं, आप अपना खुद का कोई ऐप या फिर गेमिंग ऐप बना के आप लॉन्च कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब क्रिएटिव आइडियाज आप खुद करना चाहें कर सकते हैं। तीसरा जो है मार्केटिंग कैरियर, मार्केटिंग कैरियर का बहुत बढ़िया स्कोप है इन फ्यूचर में बात करूं, जैसे कि मार्केटिंग जॉब्स इन सेल्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो गई, प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें मार्केटिंग की है जो कि आगे जाके बहुत फ्यूचर है इनका, आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। आज के टाइम पे लोग कहते हैं ये क्या सेल्स हो रहा है और ये एडवर्टाइजिंग कर रहे हो ये सब, बट इन बता दूं जो लोग नहीं जानते मार्केटिंग का बहुत जबरदस्त कैरियर है इन फ्यूचर में। आप चेकआउट कर सकते हैं गूगल पे यूट्यूब पे, जितने भी अमीर लोग होते हैं उन्होंने यही सेल्स करके अपना पैसा बना रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ शाहरुख खान हो गए या अमिताभ बच्चन हो गए, अमिताभ बच्चन सर एक नवरत्न का एड मतलब देते हैं, एक तरीके से एक प्रोडक्ट का एड देते हैं वो, और उससे उनको कितने करोड़ों रुपए आते हैं, ठीक है। लेकिन आप यही पे अगर मैं मार्केटिंग और सेल्स की बात करूँ, अगर आपका फ्रेंड आपके पास में कोई सामान लेकर आया कहेगा कि ये खरीदो बोले तो हम नहीं लेते, उसको कहते हैं अरे ये बेकार है, बट इन फ्यूचर में बता दूं इसका बहुत जबरदस्त ट्रेंड है, अगर आप इसे करते हैं तो आगे बहुत बढ़िया आप इनकम कमा सकते हैं मार्केटिंग कैरियर से। नेक्स्ट ऑपरेशन कैरियर, ऑपरेशन में भी काफी अच्छा कैरियर है। जस्ट लाइक देखिए मशीन जरूर बन गई है बट अभी भी लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑपरेशन कैरियर जिनको नहीं पता मैं बता दूं ऑपरेशन कैरियर क्या होता है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग लगाई गई या कोई इंडस्ट्री लगाई गई तो मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट्स रेडी हो रहे हैं या गुड्स एंड सर्विसेज कुछ रेडी किया जा रहा है, तो उनको रेडी करने के लिए भी वर्कर्स को लगाया जाता है, उनकी जो क्वालिटी है चेक करने के लिए, प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करने के लिए प्रोफेशनल्स रखे जाते हैं। तो ये मार्केट ऑपरेशंस होते हैं ताकि ये सारे जो भी आपके पास में सामान रेडी हो के आता है, इज अ गुड क्वालिटी का सामान आए आपको मिले, तो उसके लिए भी प्रोफेशनल्स रखे जाते हैं हमारे लिए, तो वहां पे अच्छा कैरियर है आप जा सकते हैं अभी। और फिफ्थ हमारा आता है एचआर रिसोर्स, एचआर मतलब हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैरियर आता है, एचआर कैरियर है बहुत ही जबरदस्त कैरियर है, यहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप करना चाहें। काफी कंपनीज में एचआर हायर भी किए जा रहे हैं, रिक्रूट किए जा रहे हैं, आप इसमें भी जा सकते हैं। उसके बाद में सिक्स अकाउंटिंग कैरियर, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उनके लिए बहुत बढ़िया स्कोप है, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें दिखाई हैं तो इसमें दो तीन स्टार्टिंग की चीजें तो कॉमर्स डिपार्टमेंट से ही आ गई। तीसरा आपका अकाउंटिंग आ गया, लाइक अकाउंटिंग काफी सारे बड़ी बड़ी फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो अपनी कंपनी के लिए अकाउंटेंट हायर करती हैं, तो क्योंकि कंपनी के लास्ट में एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट रेडी होती है कंपनी को कितना लॉस हुआ, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है लॉस में, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं या फर्म के या कंपनी के ओनर होते हैं वो एक अकाउंटेंट या फिर कोई सीए हायर जरूर करते हैं, तो बहुत अच्छा स्कोप है। लीगल कैरियर्स जैसे कि कॉर्पोरेट लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, टैक्स लॉ हो गया, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, आप लॉ की पढ़ाई करके अपना कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं ये सब प्रोफेशनल वर्क है, जो भी मैंने चीजें बताई हैं इन सब में जॉब का कहीं से नाम नहीं है। एक आपका कंपनीज आपको जॉब देती हैं लेकिन अगर आप इसमें खुद का प्रोफेशनली कैरियर बनाना चाहें तो बहुत जबरदस्त है, आप इसमें अपना खुद का कैरियर खुद बनाइए, किसी के यहाँ आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप लीगल कैरियर अपना खुद बिल्ड कर सकते हैं। एट में एनजीओ आप चला सकते हैं, नॉन प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट कैरियर है, नॉन आपने एनजीओ सुना होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहती है जो कि लोगों के समाज के लिए उनके वेलफेयर के लिए वर्क करती हैं, इसमें अपना कैरियर आप बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे आशा फाउंडेशन हो गई, देशना फाउंडेशन हो गई, ये सारी फाउंडेशन एनजीओज करती हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करती हैं। उसके बाद में नाइन्थ हमारे हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल कैरियर, फार्मास्यूटिकल मतलब कि जो डॉक्टरी लाइन है बहुत बड़ा, मेडिकल का तो बहुत बड़ा स्कोप है इन फ्यूचर में। आप अगर डॉक्टर हैं पढ़ाई कर रहे हैं, आज के टाइम पे आप खुद ही देख रहे हैं कितने सारे डॉक्टर्स, एंड इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा नीड पड़ रही है डॉक्टर्स की हमको, नर्स की, वेलचीज से इस कोरोना टाइम पे इतने सारे डॉक्टर्स को मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि वो इस टाइम पे हम लोग के लिए इतनी हेल्प कर रहे हैं और हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द डॉक्टर्स। एंड टेंथ में हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर आता है। एंटरप्रेन्योर मान के चलिए हमारा जो जीडीपी होता है उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो रहता है वो हमारे एंटरप्रेन्योर का रहता है, ये मान के चलिए। एंटरप्रेन्योर आपका जैसे कि मैं बात करूँ कौन होते हैं, इलॉन मस्क का अगर आपने नाम सुना है ये एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में आ जाते हैं। इसी तरीके से बड़े बड़े और भी लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, और ये मतलब कि देश के लिए और आपके इन्वायरमेंट आपकी कंट्री के लिए कुछ सर्व करते हैं एक तरीके से, मान के लीजिए कुछ न्यू इनोवेट भी करते हैं, कुछ नया बनाते भी हैं, आपकी कंट्री के लिए कुछ करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, ये मान के चलिए। और एक चीज आप ध्यान रखिए, इसमें से जितनी भी मोस्टली मैंने आपको 10 कैरियर बताए अपनी लाइफ में आप जो कर सकते हैं,
ठीक है, ये एक तरीके से बिजनेस में भी कर सकते हैं और इनसे अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आप उसे करिए। लेकिन इन सब के लिए नेटवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, जस्ट लाइक आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिजनेस में आपको नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। एक एंटरप्रेन्योर भी है तो उसने अपना नेटवर्क बनाया है और नेटवर्क बनाने के बाद ही उसको इनकम आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अपना आप नेटवर्क को बिल्ड करिए और उसी से आपको इनकम आएगी। वेल, ये सेशन मैं ज्यादा देर का नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा है ये। मैंने फैक्ट्स एंड फिगर पे आपसे बात करी थी, क्या क्या आंकड़े हैं और आज के टाइम पे क्या आगे करना चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अकॉर्डिंग। जॉब आप लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है कि हाँ एक डेस्क पे बैठे बैठे वही काम करना लाइफ टाइम तक, या फिर कुछ नया इनोवेट करना, कुछ अच्छा सीखना और लोगों को इंस्पायर करना, उन्हें भी गाइड करना कि उन्हें क्या करना चाहिए इन फ्यूचर में। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, अभी मेरी एज लाइक 19 ईयर्स आई एम ओल्ड, ठीक है। अभी मेरी अगर मैं हायर एजुकेशन बताऊँ तो अभी इंटर पास किया है मैंने, बट ये सारी नॉलेजेस जो मिल रही है ये स्कूल से नहीं मिलती है। स्कूल क्या करते हैं, एक वर्कर रेडी कर देते हैं आपके सामने, बोलना नहीं चाहिए बट हाँ ऐसा है फैक्ट। क्योंकि स्कूल हमें कभी भी कुछ न्यू क्रिएटिव चीज हमें नहीं इतना बताते हैं क्या करना है। हमें पढ़ाई कराते हैं, तीन स्ट्रीम्स रहती है, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, इन सब में आपको जो पसंद है आप जाके करिए, बट कुछ न्यू इनोवेटिंग सिखाया जाए तो इन माय स्कूल लाइफ मुझे तो ऐसा नहीं सिखाया गया। मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक से बाहर में नहीं निकली थी अपनी, जैसे मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया है, मैं कॉलेज में आई हूँ, उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक अपनी साइड कर दी और मैं कुछ न्यू बुक्स मैंने पढ़ी जो मेरी लाइफ को सक्सेसफुल बनाए, मुझे आगे पढ़ाए। तो बुक जरूर पढ़िए। अगर आप चाहना चाहिए कि कौन सी बुक पढ़ी, तो मेरी फर्स्ट बुक थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना बड़ा आप हासिल करेंगे जिंदगी में, ये मान के चलिए। आप अपनी सोच को बड़ा करिए, सोचिए बड़ा, अपने सपनों को बड़ा करिए। जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना बड़ा आपको हासिल होगा। आज जितने भी अमीर लोग हैं, जेफ बेजोस हो गए, इलॉन मस्क हो गए, रतन टाटा हो गए, बिरला हो गए, अंबानी हो गए, ये जितने भी लोग हैं आज के टाइम पे अमीर लोग हैं, इन्होंने कभी छोटी सोच नहीं रखी, हमेशा बड़ा सोचा, कुछ इनोवेटिंग सोचा। तो अपनी सोच को हमेशा बड़ा करिए, कुछ नया सोचिए ताकि आप आगे बढ़े। और इसी के साथ में मैं आप सबका रिव्यूज भी लूंगी कि हाँ कैसा आप लोग को लगा सेशन। एंड इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो बिजनेस में जैसे कि मैंने बताया नेटवर्क बिल्ड करना, तो एक और इंडस्ट्री की मैं बताना चाहूंगी जो कि मैं भी कर रही हूँ। क्योंकि क्या रहता है कि लोगों के पास है बिजनेस जरूर करने को, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। उनके पास में पैसा है, वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, उनको प्रॉफिट भी काफी आता है। लेकिन जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोग अभी स्कूल से पास आउट हुए तो ऑब्वियसली बात है करोड़ों छोड़ो अभी लाखों भी नहीं होंगे हमारे पास में। तो हम लोग के लिए क्या है कि हम किससे अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सके, तो मैं बताना चाहूंगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है एक तरीके का बिजनेस है जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप जीरो इन्वेस्टमेंट में अपना स्टार्टअप कर सकते हैं इस इंडस्ट्री से और करोड़ों में इनकम अर्न कर सकते हैं। और अगर कोई जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वर्क करती है, क्या इंडस्ट्री है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूंगी और बताऊंगी कैसे, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत जबरदस्त है। तो जरूर आप करिए मेरे साथ में अगर आप करना चाहे वर्क, क्योंकि यहाँ पे टीम बनती है, नेटवर्क बिल्ड होता है। और जैसे कि मैं आपके सामने अभी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ जस्ट लाइक, तो इसी तरीके से आप भी लोगों को बता सकती हो, उन्हें कैरियर चूज करने में हेल्प कर सकती हो। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, एंड जरूर करिए सभी लोग इसी को और आगे बढ़िए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ऑल लीडर्स, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच वंदना मैम, थैंक यू सो मच आनंद सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हिमांशी मैम। चलिए तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर फॉर अटेंडिंग दैट सेशन, एंड नमस्ते।